भी आलिया भरदार। सही आता क्या? डिस्काउंट मीटर पिकाले या भरदार जाला रान हिरवंगार जाला रान हिरवंगार खुल्या हवेत ताज्या खुल्या हवेत ताज्या खुल्या हवेत ताज्या अरे रे माझ्या राजा पीक आलया भरदार झाला रान हिरवगार कस बहरून आला माझ आखशी कस बहरून आला माझ आखशिवार। You're sounding fantastic as a song. I wanted to give it more. Gahu har bhara. Gahu har bhara. Yeah. Paani bhar bhara. Achha, all the bhars have got major blues. Okay. Khatiyaad saala. Hangama aala. Hangama zaala. Gahu har bhara. Paani bhar bhara. Gandh shwasat gheu bharu. Mastit gao. Bebhan ho. Ashi ghai na kou na karu. Pon matza ratila. Chandra. मैं समझता हूँ ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं पहली बार संगीतकार के तौर पर मराठी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आ रहा हूँ। मैं बहुत सालों से कोशिश कर रहा था और दिल में एक आग सी लगी हुई थी एक बार मराठी फिल्म करूँ, लेकिन मौके मिलते नहीं थे क्योंकि मुझे लगता था अभी कोई ऐसी फिल्म करूँ जब एंट्री हो तो कमाल हो जाए। मेरी पैदाइश मुंबई में हुई है, मैं हर बार जय महाराष्ट्र बोलता हूँ, मगर बोलने से जय महाराष्ट्र से मतलब नहीं है, कुछ करना भी चाहिए। अंग अंग गेला शहरों अंग अंग गेला शहरों कैन यू डू द होल थिंग। चलो, मेरी खुशनसीब ये भी है कि आज मैंने एक नहीं दो नहीं तीन गाने खत्म किए, तीनों गाने रिकॉर्ड हो चुके हैं और इसमें सबसे बड़ी अच्छी बात ये लग रही है कि जब मैंने नीलेश जी की आंखों में झांककर देखा, एक्चुअली जब वो तीनों गाने देख रहे थे उनकी आंखों में आंसू थे, 10 बार उन्होंने मुझे हाथ मिलाकर बोला ये बहुत अच्छे गाने आपने बनाए। और मुझे सिंगर्स बहुत अच्छे मिले, मेरी बेटी अनमोल ने एक सोलो ट्रैक गाया है, लेकिन मैं सोचता था कि मेरा जो फेवरेट गाना था इसके अंदर मैं किससे गवाऊं किससे गवाऊं। ये जब गांव में आता है हीरो और ऊंचे स्वर का नोट है ये, मैं बहुत सोचा, नीलेश जी ने भी कुछ मुझे राय दी कि भाई इस सिंगर के साथ गवाऊं, सभी अच्छे अच्छे बड़े बड़े नाम लिए उन्होंने हिंदुस्तानी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था। पहले बार मेरे दिमाग में एक ही सिंगर है जो ये गाने को निभा सकता है, जो आपने गाना लिखा है जो पूरे गांव का वर्णन दे सकता है, जिसमें जब बैलगाड़ियां आ रही हैं पूरा टॉप शॉट है और मैंने म्यूजिक भी ऐसे पीसेस बनाए, तो मैंने बोला मुझे सोनू निगम चाहिए। पाखरांची किल बिल झुडू झुडू वारा घुंगरांची किण किण रुण झुण मोहला विगा जिव्हाळ्याने मांडलेला
कसा मोडू डावा जिव्हाळ्याने माडलेला कसा मोडू डावा सोडून हे गाव सांग कुठे जावा आठवांच्या पत्रात मन चिंबनाव मोहलाही मोहला विगा और सोनू निगम आया और सोनू निगम ने गाना गाया। आज जब सोनू निगम ने गाना खत्म किया तो सब मुझे बार बार आके कह रहे थे कि आपकी चॉइस कमाल की बात। मुझे दीपक जी ने भी कहा कि आपकी चॉइस कमाल है। मुझे अच्छा लगा कि एज ए कंपोजर मैं जब गाना बनाता हूँ जो मुझे मेरे आंखों के सामने आ जाते हैं ये गाना किसका है ये कौन गाएगा। और सोनू ने इतना ऊंचा गाना है ये तो पहले भाग के आया बाहर सोनू जब गाना सुना उसने तो गले मिल गया। वैसे मुझे बहुत खुश हो गया गाना सुनकर। बोले गाना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा गाना गाने का मौका मिला है। अनुज जी के साथ में मैं बहुत टाइम से काम करता आया हूँ। इनफैक्ट मेरे बचपन से ऑलमोस्ट सो मेरे इनसे संबंध बहुत इतने गहरे हैं और उनके म्यूज़िक मैं समझता हूँ, ये मेरी आवाज़ समझते हैं। जब मैं गाने के लिए आया तो एक्चुअली मैं अलग मूड में था। मैंने सोचा कि कुछ ईजी सा गाना होगा, रोमांटिक सा, कि निकला इतना ऊँचा तो। और मैं थोड़ा सा दिल्ली गया था तो वहाँ पर मुझे एलर्जी हो गई थी, वहाँ पर बहुत स्मोक है, स्मॉग है, तो मैंने सोचा मैं गा नहीं पाऊँगा शायद। लेकिन उन्होंने मुझे बोला तो ट्राई तो कर, ठीक है कहते हैं गाना अच्छा हो गया। इट इज लिरिक्स भी बड़े प्यारे थे और संगीत बहुत अच्छा था। आईची सावली आता तुझा गला धर आई दारी आम्ही मांडला तुझ्या नावाचा जागर तुला वाहून साडी चोळी भरली भक्तीची घागर हे रानातल पाखरू जवा रान फुला तुझे भरा रे साध दे तो रे हा संबळ साध दे तो रे हा संबळ आई मांडला हा गोंधळ। जय महाराष्ट्र। मैं बहुत खुशी हूँ मैं मराठी फिल्म कर रहा हूँ और मेरा दिल कहता है कि ये फिल्म जब आएगी आपको सब बहुत पसंद आएगी। बट थैंक यू नीलेश जी फॉर चूजिंग मी एज अ कंपोजर ऑफ असोड योर फिल्म। आई एम वेरी एक्साइटेड। थैंक यू।